तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है दोस्तों टेक्नो आकिब। दोस्तों मेरा नाम है आकिब अंसारी। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, नॉलेजेबल होने वाली है। दोस्तों होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करें, लाइक करने के साथ ही साथ कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आज किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे फ़ोन जो कि आपको 10-15 हज़ार रुपये की रेंज में आपको ये फ़ोन मिल जाएंगे। अच्छी चीज़ मिलेगी, अच्छा प्रोसेसर, हर चीज़ पूरी स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको बताऊंगा और जिस फ़ोन के बारे में आपको डिटेल दूंगा उसकी स्क्रीन पे यहाँ पे फोटो भी शो करूंगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपने फर्स्ट नंबर फ़ोन की, जो कि है ओप्पो A15। जी हाँ दोस्तों, ओप्पो A15 जो कि अच्छा फ़ोन है, कंपनी ओप्पो का एक कप फ़ोन है। और इसकी कीमत की बात करें तो दोस्तों इसकी कीमत है 9,990 रुपये। तो दोस्तों अब इसकी रैम की और मेमोरी की बात कर लें तो दोस्तों इसके अंदर 3 GB रैम आपको और 32 GB मेमोरी आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अब इसकी स्क्रीन की बात करें कि इसकी स्क्रीन कौन सी होने वाली है, कितने उसकी होने वाली, तो दोस्तों इसकी स्क्रीन 6.52 इंच की स्क्रीन होने वाली है, जो कि HD+ डिस्प्ले होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, HD+ डिस्प्ले होने वाली है। अब दोस्तों आप बात करते हैं इसकी प्रोसेसर की, तो दोस्तों इसमें ऑक्टा कोर मीडिया टेक का P35 का प्रोसेसर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आप इसकी कैमरों की बात करें तो दोस्तों इसमें 13 MP, 2 MP और 2 MP एक फ्रंट पे आपको 5 MP का एक कैमरा मिल जाएगा। तो दोस्तों अब इसकी बैटरी की बात करें तो दोस्तों इसमें बैटरी आपको 4230 mAh की, यानी कि 4230 की आपको इसमें बैटरी मिल जाएगी, जो कि 10W का सुपर फास्ट चार्जर सपोर्ट करती है। तो दोस्तों ये थी, आपको मैंने बता दिया, दिवाली का सीज़न चल रहा है तो दोस्तों लोग जो है शॉपिंग करना चाहते हैं, लोग फ़ोन परचेस करना चाहते हैं, कुछ भी परचेस करना चाहती है। अगर आपको फ़ोन परचेस करना है तो आप मेरी वीडियो देख के आपकी रेंज तक का फ़ोन अगर आपको जो बेस्ट लगे वो आप परचेस कर लीजिए। तो दोस्तों इसकी स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दी है, इसकी कीमत भी मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट फ़ोन की तरफ, जो कि हमारा दूसरा नंबर का फ़ोन है, वो है Redmi Note 9। जी हाँ दोस्तों, Redmi Note 9। अब इसकी मैं आपको कीमत बता दूँ तो दोस्तों इसकी प्राइस है आपको 10,999 रुपये, यानी कि 10,999 रुपीज़ आपको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों अब इसकी रैम की और मेमोरी की बात कर लें तो दोस्तों इसमें आपको 4 GB रैम और 64 GB मेमोरी आपको मिल जाएगी, यानी कि 4 GB रैम और 64 GB आपको मेमोरी इसमें मिल जाएगी। तो दोस्तों अब इसकी डिस्प्ले की बात करें तो दोस्तों इसके अंदर 6.53 इंच की आपको डिस्प्ले मिल जाएगी, जो कि फुल HD+ है डिस्प्ले। तो दोस्तों अब इसकी प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों इसमें MediaTek का G85 प्रोसेसर लगा हुआ है, जो कि प्रोसेसर गेमिंग के मतलब में प्रोसेसर बहुत ही परफेक्ट दिया हुआ है। आप गेमिंग लवर हैं तो उसमें आप परफेक्टली गेम खेल सकते हैं। तो दोस्तों अब इसकी बैटरी की बात करें तो दोस्तों इसमें 5,000 mAh की बैटरी आपको मिल जाएगी, 20 mAh की, यानी कि 5,020 mAh की आपको इसमें बैटरी मिल जाएगी। दोस्तों अब इसकी बात करते हैं इसमें कैमरे कितने होने वाले हैं, तो दोस्तों इसमें 4 कैमरे आपको मिल जाएंगे, जो कि मेन कैमरा आपको 48 MP का मिलेगा, दूसरा सेकेंडरी कैमरा आपको 8 MP का मिलेगा और थर्ड कैमरा आपको 2 MP का मिलेगा। तो दोस्तों फोर्थ जो कैमरा है वो भी आपको 2 MP का मिल जाएगा। तो दोस्तों अब इसके फ्रंट कैमरे की बात करें, इसमें सेल्फी के लिए वो इसमें आपको 13 MP का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा। तो इसमें सुपर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं दिया है। तो दोस्तों आप बात करते हैं नेक्स्ट फ़ोन की, जो कि है वीवो का। तो दोस्तों वीवो का वो कौन सा फ़ोन है, तो दोस्तों मैं आपको यही बता दूँ कि वीवो का Y20i, यानी कि वीवो का Y20i, यानी कि ये है वीवो का नया फ़ोन। तो दोस्तों इसकी कीमत की बात करें तो दोस्तों इसलिए आपको मिल जाएगा 11,490 रुपये का। जी हाँ दोस्तों, 11,490 रुपये का आपको मिल जाएगा। इसमें आपको 3 GB रैम और 64 GB यानी कि 64 GB आपको मेमोरी मिल जाएगी। दोस्तों अब इसकी डिस्प्ले की बात कर लें तो दोस्तों इसमें 6.51 इंच की आपको डिस्प्ले मिल जाएगी, जिसका डिस्प्ले आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों अब इसकी कैमरास की बात कर लें तो इसमें आपको थ्री कैमरा सेटअप आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये आपको 3 कैमरा सेटअप मिल जाएगा, जो कि मेन कैमरा आपको इसमें 13 MP का मिल जाएगा, फिर दूसरा कैमरा आपको 2 MP का,
तो थर्ड कैमरा आपको भी 2 मेगापिक्सल का मिल जाएगा। दोस्तों अब इसके फ्रंट कैमरे की बात करें, सेल्फी कैमरे की बात करें, तो दोस्तों इसमें 8 मेगापिक्सल आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब इसकी प्रोसेसर की बात करें, तो दोस्तों इसमें स्नैपड्रैगन 460 यानी कि 460 का इसमें प्रोसेसर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अब इसकी बैटरी की बात करें, तो दोस्तों 5000 mAh की इसमें बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि लॉन्ग टाइम के लिए बैटरी बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही अच्छी बैटरी आपको मिल जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट फ़ोन की, जो कि है रियलमी का नार्जो 20। जी हाँ दोस्तों, रियलमी का नार्जो 20 यानी कि नार्जो 20 आपको लेना चाहिए तो ले सकते हैं। इसकी कीमत की आपको मैं आपको कीमत की बात करूं, तो दोस्तों इसमें 11,499 रुपये यानी कि 11,499 रुपीज़ का आपको ये फ़ोन पड़ जाएगा, ये फ़ोन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप Realme का कोई फ़ोन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों उसे Flipkart से या Amazon से ही ऑर्डर करें। अगर आप ऑफलाइन उसे परचेस करेंगे तो वो आपको थोड़ा कॉस्टली उसकी महंगी पड़ेगी, अगर आप ऑनलाइन परचेस करेंगे तो उसमें दोस्तों आपको सस्ता पड़ेगा वो फ़ोन। दोस्तों मैं यही रिकमेंड कर दूँगा कि आप Realme का अगर फ़ोन परचेस करना चाहते हैं तो दोस्तों वो ऑनलाइन परचेस करें। दोस्तों अब इसकी बात करें, मैं अब इसकी बात करता हूँ रैम की और मेमोरी की, तो दोस्तों इसमें 4GB रैम और 128GB आपको मेमोरी मिल जाएगी, जो कि 4GB रैम और 128GB मेमोरी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसमें डिस्प्ले साइज़ की बात करें, तो वो दोस्तों इसमें 6.5 इंच की आपको HD डिस्प्ले मिल जाएगी, HD डिस्प्ले मिल जाएगी। तो दोस्तों इसमें आप प्रोसेसर की बात करें, तो दोस्तों MediaTek हीरियो का G85 का प्रोसेसर है, ये गेमिंग के मतलब में बहुत ही परफेक्टली होने वाला है। तो दोस्तों अब इसकी बैटरी की बात करें, तो उसमें 6000 mAh की आपको बैटरी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये बैटरी आपको बहुत ही परफेक्ट दे रहे हैं ये रियलमी की, जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए आपको 6000 mAh की बैटरी बहुत होती है। दोस्तों 6000 mAh की बैटरी इसमें बहुत ही बड़ी बैटरी दी हुई है। तो दोस्तों अब इसकी फास्ट चार्जिंग की बात करें, तो इसमें 18W का फास्ट चार्जर आपको मिल जाएगा, जो कि आपकी बैटरी जल्दी से जल्दी चार्ज करेगा। तो दोस्तों अब इसके अंदर कैमरे सेटअप की बात करें, तो इसमें इसमें आपको मेन कैमरा एक मिलेगा 48 मेगापिक्सल का, जो कि 48 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा मिलेगा रियर में। तो दोस्तों आप सेकंड कैमरे की बात करें, तो उसमें इसमें आपको 8 मेगापिक्सल एक सेकेंडरी कैमरा मिलेगा। तो दोस्तों इसमें आप थर्ड कैमरा आपको भी 2 मेगापिक्सल का थर्ड कैमरा मिलेगा। और इसमें आप फ्रंट के कैमरे की बात करें, तो दोस्तों इसमें 8 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा। तो दोस्तों अब मैं नेक्स्ट फ़ोन की तरफ चलता हूं, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी M11 यानी कि सैमसंग गैलेक्सी M11। दोस्तों ये फ़ोन भी बहुत ही परफेक्ट होने वाला है आपके लिए। तो दोस्तों ये फ़ोन कितने के प्राइस में मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों इसकी प्राइस है 11,499 रुपये यानी कि 11,499 रुपीज़। तो दोस्तों इसकी आप रैम की बात करें, तो दोस्तों इसमें 4GB रैम और 64GB मेमोरी आपको देखने को मिल जाएगी फ़ोन में। तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी, अब इसकी इस डिस्प्ले साइज़ की बात करें, तो दोस्तों इसमें 6.4 इंच की आपको डिस्प्ले मिल जाएगी, जो कि HD प्लस इन्फिनिटी माइनस ओ डिस्प्ले है, जो कि बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसकी इस प्रोसेसर की बात करें, तो दोस्तों इसमें स्नैपड्रैगन 450 का प्रोसेसर दिया हुआ है, जो कि प्रोसेसर गेमिंग के मतलब में ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन ठीक है, आपके परफॉर्मेंस के मतलब में बहुत ही बढ़िया फ़ोन होने वाला है ये प्रोसेसर। तो दोस्तों अब इसकी बैटरी की बात करें, तो इसमें 5000 mAh की आपको बैटरी मिल जाएगी, 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, जो कि 15W का सुपर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिल जाएगा इसमें 5000 mAh की बैटरी के साथ, जो कि 15W का सुपर फास्ट चार्जर आपको मिलेगा इसके साथ। तो दोस्तों अब इसकी कैमरों की बात कर लें, तो दोस्तों इसमें सबसे पहला आपको रियल कैमरा मिलेगा 13 मेगापिक्सल, जो कि फ्रंट कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल का मिल जाएगा, जो कि रियल कैमरा जो मेन कैमरा होता है उसका वो 13 मेगापिक्सल का आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों सेकंड कैमरा आपको इसमें 5 मेगापिक्सल का मिल जाएगा। दोस्तों थर्ड कैमरा आपको इसमें मिलेगा 2 मेगापिक्सल का, जी हाँ दोस्तों 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। तो दोस्तों आप फ्रंट की कैमरे की बात करें, तो दोस्तों इसमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों बस ये कुछ ही ऐसे फ़ोन थे जो कि अगर आप परचेस करना चाहें तो कर सकते हैं, जो कि बेस्ट फ़ोन होने वाले हैं। इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन मैंने नहीं बताई है, जो कि थोड़ी बहुत मैंने कुछ जो टॉप 10 आने वाले हैं, जो कि इतनी प्राइस में आपको इतनी सब चीज़ें मिल सकती हैं, उसके बारे में आपको डिटेल बताई है। जो कि अगर आप मोबाइल परचेस करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको 10,000 से लेके 12-15,000 तक की रेंज में आपको बेस्ट फ़ोन मिल जाएगा। तो दोस्तों इनमें से भी आप कोई चूज़ कर सकते हैं, या आपके माइंड में कोई फ़ोन हो तो आप वो भी परचेस कर सकते हैं।
दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करें, लाइक करने के साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि नॉलेज कैसी लगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके बाय।